इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन्स। सबसे पहले हम स्टेमन की स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये हमने स्टेमन का डायग्राम यहाँ पे लगाया हुआ है। स्टेमन फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन होता है और इसके दो पार्ट होते हैं। ये देखिए, ये स्टॉक जैसा जो स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर के थ्रू यह स्टेमन फ्लावर से जुड़ा होता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये एंथर है इसका, और एंथर में दो लोब्स होते हैं, इस वजह से इसे हम बाई-लोब्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। और हर लोब में, यहाँ पर ये देखिए दो लोब्स हैं, और हर लोब में फर्दर दो कैविटीज़ होती हैं, और इन कैविटीज़ को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। क्योंकि हर लोब में दो कैविटीज़ हैं, दो सैक जैसे स्ट्रक्चर हैं, इस वजह से इन्हें हम डाइथीकस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो कैविटीज़ हैं इन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक भी कहते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स में पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब होता है वह स्ट्रक्चर जिसमें पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे। और यहाँ पर हमें एक और हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है इस लोब में, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ डहिसेंस। यहाँ पर ये देखिए, ये लाइन ऑफ डहिसेंस, यहाँ पर भी हमें ये दिख रही है हमें लाइन ऑफ डहिसेंस। तो लाइन ऑफ डहिसेंस का एक पर्पज़ होता है कि जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाएंगे तो ये जो लोब्स हैं तो ये लाइन ऑफ डहिसेंस के अलोंग रप्चर होंगे। डहिसेंस का मतलब ही होता है रप्चर या स्प्लिटिंग। तो जब ये माइक्रोस्पोर्स मैच्योर हो जाएंगे, जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाएंगे, तो ये जो लोब्स हैं यह लाइन ऑफ डहिसेंस के अलोंग रप्चर होते हैं और ये पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ करते हैं। तो इस डायग्राम की हेल्प से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं स्टेमन के। एंथर का स्ट्रक्चर जाना है और माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया है। अभी तक के डिस्कशन से हमने जान लिया है कि एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया के टीएस को डिस्कस करेंगे। टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन या कट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के चार लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स होती हैं, कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं जिन्हें हम मिडिल लेयर्स कहते हैं, और इनर मोस्ट लेयर होती है सेल्स की टैपिटम। ये टैपिटम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये सेल्स डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और हर माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है और यह टिश्यू पोलन मदर सेल्स का बना होता है। यह पोलन मदर सेल्स ही आगे जाके डेवलप होंगी माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स में। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के टीएस ड्रॉ करने के लिए, तो आप एंथर का ये आउटलाइन ड्रॉ कर दें, और आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद केवल एक माइक्रोस्पोरेंजियम के डायग्राम को डिटेल में बना दें, तो यह बहुत कम टाइम भी लेगा और यह प्रेजेंटेशन बहुत स्कोरिंग भी होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स। तो अभी तक के डिस्कशन से हम समझ चुके हैं कि पोलन मदर सेल्स से पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे। ये पीएमसी डिप्लॉइड होते हैं। अब इनमें मियोसिस फर्स्ट और सेकंड होगी, एज अ रिजल्ट हमें चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलेंगे, और यह फर्दर डेवलप होंगे तो हमें माइक्रोस्पोर्स के टेट्राड मिलेंगे। यह माइक्रोस्पोर्स अब सेपरेट होंगे और हमें सेपरेट चार पोलन ग्रेन्स मिलेंगे। इसका मतलब एक मदर सेल से हमें चार पोलन ग्रेन्स मिलते हैं। अब माइक्रोस्पोर्स का मैच्योरेशन होगा। अभी तक हमने जान लिया है कि चार माइक्रोस्पोर्स बन चुके हैं और हर माइक्रोस्पोर में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब इस हैप्लॉइड न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से अब हमें दो न्यूक्लियाई मिलेंगे। उनमें से एक न्यूक्लियस वेजिटेटिव होगा और एक जनरेटिव होगा। कुछ एंजियोस्पर्म्स में टू सेड स्टेज पर पोलन ग्रेन्स शेड कर दिए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनमें जनरेटिव सेल का एक और माइटोटिक डिवीजन होगा। एज अ रिजल्ट अब ये पोलन ग्रेन ट्राईसेलुलर हो जाएगा, उनमें से एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और दो मेल गैमिट होंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस और दो मेल गैमिट का क्या सिग्निफिकेंस है।
इस डायग्राम की हेल्प से हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। गैमेटोफाइट का मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमीट्स बेयर करता है। तो पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट्स होते हैं, इस वजह से पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। पॉलन ग्रेन दो लेयर्स से कवर्ड होता है, आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं और इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। यह एक्साइन स्पोरोपोलिनिन नाम के एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का बना होता है और कहा जाता है कि अभी तक कोई भी ऐसा नॉन एंजाइम नहीं है जो इस स्पोरोपोलिनिन को डाइजेस्ट कर सकता है। इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है और एक्साइन पर कुछ पिट्स होते हैं, जगह जगह पर कुछ पिट्स होते हैं जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होता है और इन पिट्स को हम जर्म पोर कहते हैं। इन पिट्स के थ्रू ही ये पॉलन ट्यूब इमर्ज होगी ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। यह सभी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और CBSE में भी या किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में भी यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस इंफॉर्मेशन से। पॉलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं। यह पॉइंट्स मेडिकल एस्पिरेंट्स और उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। यहाँ अपने स्टूडेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी कि स्पोरोपोलिनिन की प्रेजेंस की वजह से पॉलन ग्रेन्स फॉसिल्स में प्रिजर्व हो सकते हैं और इन फॉसिल्स को पेरिनोफॉसिल्स कहते हैं। यह पॉलिनोफॉसिल्स पेट्रोलियम के एक्सप्लोरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी सॉइल सैंपल में अगर कुछ खास तरह के पॉलिनोफॉसिल्स हमें मिलते हैं तो यह एस्टिमेट किया जा सकता है कि यहाँ पर पेट्रोलियम के अच्छे डिपॉजिट्स हो सकते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से हम पॉलन के जर्मिनेशन और ट्यूब न्यूक्लियस और स्पर्म न्यूक्लियाई के सिग्निफिकेंस को समझेंगे। तो जब पॉलन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वह जर्मिनेट होता है और जर्म पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब इमर्ज होती है। इस पॉलन ट्यूब में सबसे आगे ट्यूब न्यूक्लियस होता है जो पॉलन ट्यूब को गाइड कर रहा होता है टुवर्ड्स ओवरी। और अगर पॉलन दो सेल स्टेज पर शेड हुआ है तो इसका मतलब उसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस है और एक मेल गैमीट है। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन वह मेल गैमीट माइटोटिक डिवीजन करेगा और एज अ रिजल्ट हमें दो स्पर्म न्यूक्लियाई मिलेंगे। और अगर पॉलन तीन सेल स्टेज पर शेड हुआ है तो उसमें यह दो स्पर्म न्यूक्लियाई पहले से ही मौजूद हैं। यह दो स्पर्म न्यूक्लियाई डबल फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि ट्यूब न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है जब पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुँचती है। प्लीज़ चेक योर अंडरस्टैंडिंग बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चंस।